लखनऊ यातायात पुलिस ने चिन्हित किए नए नो पार्किंग जोन 11 क्षेत्रों में। ट्रैफिक पुलिस ने बनाए नए नो पार्किंग जोन। ट्रैफिक पुलिस एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाकर लोगों को करेगा जागरूक। नो पार्किंग जोन से उठी गाड़ियों का कॉल कर वाहन स्वामियों को दी जाएगी सूचना। टो करने वाली क्रेनों में लगा रहेगा कैमरा, बनेगा वीडियो। वाहन टो करने से पहले किया जाएगा अनाउंसमेंट, नो पार्किंग जोन खड़ी गाड़ियों का पहले बनेगा वीडियो, फिर होगी तो प्रत्येक ट्रेन पर यातायात करने की लगेगी ड्यूटी, गाड़ी वापस पा सकेंगे। इसमें जो 11 मार्ग है इसकी जस्ट मैं जानकारी पढ़ देता हूँ। विधानसभा के चारों तरफ का मार्ग थाना ये हजरतगंज में पड़ेगा। गौतम पल्ली चौराहे से हजरतगंज एवं अटल चौराहे से मेफेयर तक हजरतगंज ये थाना क्षेत्र पड़ेगा। अलका तिराहे से सेंट फ्रांसिस स्कूल से लेकर के सहारागंज तिराहे तक, गोल चौराहे से VIP गेस्ट हाउस, आलमबाग बस अड्डे के सामने सड़क पर, बापू गांव चौराहे से बलविंटर से रविंद्रालय से नत्था तिराहे तक, घंटाघर से बड़ा इमामबाड़ा तक, दुबक्का तिराहे से छंदोहिया तिराहे तक, कमता तिराहे से BBD यूनिवर्सिटी तक मुख्य मार्ग, कुसड़िया चौराहे से हनीमन चौराहे तक, निसारगंज गुड्स बेकरी चौराहे के सामने मुख्य मार्ग। ये 11 हम लोगों ने फर्स्ट वेव में चयनित किया है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना कंप्लायंस होता है, कितने वायलेशंस होते हैं। अगर हमें किसी स्टेज पर लगता है कि इन रोड्स पे वायलेशंस नहीं है तो हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको नो पार्किंग जोन से हटा भी देंगे, नए जो है चयनित किए जाएंगे। हमें लगता है इसमें वायलेशन से कंटिन्यूस तो हम इसको कंटिन्यूस नो पार्किंग जोन डिक्लेयर करके रखेंगे। तो अभी जो आदेश किया गया अग्रिम आदेशों तक किया गया, कोई एक डेट इसमें नहीं फिक्स की गई है, तो अग्रिम आदेशों तक ये नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किए जा रहे हैं। और हमें लगेगा कि लोगों के सुझाव या कहीं जब इसके बाद फीडबैक आता है कि नहीं इस तरह की समस्या इन रोड्स पे भी है, तो हम उन रोड्स पे भी जो है नए नए जो एरिया होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे।